आईपीएस अधिकारी आशुतोष को पीएस नियुक्त किया गया है। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के प्राइवेट सेक्रेटरी नियुक्त हो चुके हैं। 5 साल के लिए नियुक्त हुए आईपीएस अधिकारी आशुतोष हिमाचल के कुल्लू जिले के डीसी भी रहे हैं आशुतोष गर। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ प्रदीप जुड़े हुए हैं। प्रदीप, आशुतोष आईपीएस अधिकारी, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए, इतने भरोसेमंद कैसे बन गए, एक बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली है। बिल्कुल, देखिए आशुतोष गर्ग 2014 के आईएएस अधिकारी हैं और अभी वर्तमान में राज्य सरकार में और राज्य सचिवालय में इनके पास विशेष सचिव वित्त एवं कार्मिक का पदभार भी है और इससे पहले ये कुल्लू के डेप्टी कमिश्नर भी रहे हैं और काफी अच्छा काम जो है आपदा काल में इनका रहा है और बाकी भी एक अच्छे परफॉर्मर आईएएस ऑफिसर अधिकारी के तौर पर इनको जाना जाता है। और जिस तरह से जेपी नड्डा जब पूर्व में भी मंत्री थे तो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी हिमाचल कैडर के ही आईएएस अधिकारी हुआ करते थे रितेश चौहान, और अब एक तरह से हम कह सकते हैं कि फिर से हिमाचल कैडर के ही आईएएस अधिकारी आशुतोष गर्ग को स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जिम्मेदारी दी है, उनको अपने साथ पीएस नियुक्त किया है। डेप्यूटी सेक्रेटरी की इनका जो है इनके इनका जो है रैंक रहेगा क्योंकि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर अब इन्होंने रहना है, तो 5 वर्ष के लिए ये नियुक्ति फिलहाल की गई है लेकिन कोर टर्मिनाफ बेस पर है, यानी जब तक स्वास्थ्य मंत्री रहेंगे जेपी नड्डा तब तक इनको पीएस जो है नियुक्त किया जाएगा। तो ऐसे में काफी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ये दी गई है और हम कह सकते हैं कि जो इनका परफॉर्मेंस है उसी के आधार पर जेपी नड्डा ने इनका चयन किया है। जी शुक्रिया जानकारी देने के लिए आपका प्रदीप ठाकुर इस खबर पर भी।